दो दो मिनट हमारी बिटियां जो बोलना चाहे ना उनसे बुलवाओ, उन्हें कैसा लग रहा है, कोई बच्ची को कुछ कहना हो, किसी बिटिया को बोलना है? हाँ बोलना है ना, लो बोलो। बालाजी महाराज की, हम महाराज जी से हम ये कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम एक बात से बस संतुष्ट नहीं है, हमारे पापा की थोड़ी दार से दर्द उठता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता, वो बस ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा, दार उखड़ भी गई है फिर भी दर्द होता है, आराम नहीं मिल रहा है, यहीं पर है जी। और कोई बिटिया को यहाँ के बारे में बोलना है? हाँ? बोलना है कुछ? अच्छा बिटिया इनको दो पानी पी रहे, पानी पी रहे। हाँ हाँ, हमारा जी से ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके भाई है, माँ बाप है, सब कोई है, फिर भी उनके भाई साथ नहीं देते कभी कभी, जैसे हमारे भी तीन भाई हैं, पर हमारे कोई सपोर्ट में नहीं थे, पर महाराज जी ने हमारा साथ दिया, हम इसका हमेशा धन्यवाद रहे गाँव में, और हम हमेशा बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे। बिटिया के लिए खूब ताली बजाओ, खूब जोर से बजाओ, क्योंकि इसका साथ आप लोगों ने दिया ना। हाँ बिटिया खड़ी हो जाओ, क्या नाम है? मोनिका नाम है। कहाँ रहते? छतरपुर में। अब बोलो। गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने हमारी इतनी सहायता की है, बहुत अच्छा लगा हमें आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, हमारा कोई नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी कोई नहीं है, हमने तो आपसे बस विनती की है कि हमारे गुरुजी हैं बस। वाह, और कोई बिटिया बोलना है? और किसी बोलना? इस पूरे विवाह महोत्सव में 52 बिटियां ऐसी हैं, किसी के माँ नहीं है तो किसी के पिता नहीं, 50 पे दो 52 बिटियां ऐसी हैं जो जगह जगह से आए हैं। बोलना है बिटिया, इस बच्ची को भी दे दे। हम दे रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु महाराज की जय, परम पूज गुरुदेव भगवान की जय, साधु जी सीताराम, हम सबसे एक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा नजदीक कर, हम सबसे एक प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ठीक, वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक, ऐसा कोई नहीं है जैसे गुरुदेव है। अब बागेश्वर बालाजी महाराज चमत्कारी है, परंतु गुरुदेव जी को ये ना कहें कि चमत्कार करके अपने वश में कर रहे हैं सबको, ये मेरी प्रार्थना है सबसे, यहाँ बालाजी की शक्ति है, और हमने 7 महीने हो गए, हमने प्रत्यक्ष देखा, हमारा पर्चा कोई नहीं बना, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे, हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई नहीं है आपका? नहीं गुरु जी, इनके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, ये बच्ची हमको दंदरुआ में मिली थी जी, 19 हमें याद आ गया, मिले थे आपको दंदरुआ में, ये बच्ची हमको मिली थी, इस बच्ची के ना माँ है ना इस बच्ची के भाई बहन है। बोलो बेटा। तो हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है अब सबसे कि हमारे गुरुजी को कुछ भी मत कहो, उल्टा सीधा बदनाम करने की कोशिश न करो, यहाँ बालाजी महाराज की कृपा है, हमारा कोई पर्चा नहीं बना है, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे हैं, जितना हम परेशान थे हमारे माँ बाप कोई नहीं थे, हमें अंतरात्मा से इतनी शांति है कि हमारे सब कुछ वही है गुरुजी और बालाजी महाराज बस। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और कोई बिटिया अपना भाव प्रकट करेंगे? बेटा खड़ी हो जाओ। बागेश्वर भगवान की जय हो।
बागेश्वर भगवान ने हमारी बहुत कृपा की है क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता ने, पागल हो क्या हा? आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया, अब मुस्कुराना है, है? कभी भी लगे तुम आते रहना, और तुम्हारे साथ ना हमसे जितने लाखों लोग जुड़े बागेश्वर धाम से वो सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। साहब बैठ, कहाँ रहती बिटिया? छतरपुर में। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास। अच्छा दामाद कौन है? दामाद इधर खड़े हो जाओ बेटा, तुम कहाँ रहते हो? गठेवरा, छतरपुर के पास। गठेवरा में रहते हैं, क्या करते हो? ठेकेदारी करते हैं बाहर पंजाब में। हैं? पंजाब में काम करते हैं। पंजाब में काम, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। आगे? मुकेश अहरवार। मुकेश अहरवार, तुम एक काम करना, हम काट तो दिबवाई देते, जब भी आया करो हमसे मिलने आ जाया करो, दोनों ही आया करो, बिटिया को भी ले आया। ठीक है ना, अच्छे से रहना हो, और शिकायत ना हमें मिले वरना हम लड़ पड़ेंगे। ठीक है जी, है ना, खुश रहो, बैठो। धन्यवाद बिटिया, भगवान की।